हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं पटना के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पे हूँ और चेन्नई से पटना की एक लंबी डिस्टेंस करके आई हूँ, ट्रैवल करके आई हूँ और बहुत घबरा रही हूँ बिकॉज़ मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन करवाना है। और लास्ट ऑपरेशन मेरा सिजेरियन हुआ था, मेरा विनायक बेबी आप देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो ऑपरेशन के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था, तो अभी मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन को सुन के तो बहुत ही डर लग रहा था। बट रोज़ मेरे पेट में दर्द हो रहा था, पथरी बहुत ही दिक्कत कर रही थी, बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी। तो मुझे फाइनली ये डिसीजन हुआ कि ऑपरेशन करवाना है और विनायक वैष्णवी दोनों मेरे बिना कैसे रहेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। सो गाइस, ये पारस हॉस्पिटल है पटना का, ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है बिहार का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे अपना गॉल ब्लैडर स्टोन जो है मैं ही रिमूव करवाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड का ये डिसीज़न था बिकॉज लास्ट टाइम जब हमारा सिजेरियन बेबी हुआ था तो लखनऊ में मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया था। तो इस वजह से उन्होंने इस बार जो है सबसे बेस्ट हॉस्पिटल जो पटना का है वो चुना है। लास्ट टाइम भी वो मुझे बेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कह रहे थे, बट मेरे को लगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी को बेबी होता है, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही जो है वर्स हो गया था। तो अभी मैं जैसे ही गई, मुझे मेरी रिपोर्ट्स के साथ मुझे एडमिट कर लिया गया और मेरी सारी जांच यहाँ पे हो रही है, जितने भी चेकअप्स होने हैं वो सारे वन बाय वन वन डे में इन्होंने कर डाले, मतलब एडमिट होते ही। तो गाइस, यहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और यहाँ मेरे सारे ब्लड टेस्ट हुए, ऑपरेशन से पहले की जितनी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी की सारी हुई। और गाइस, दिसंबर लास्ट चल रहा है, बहुत ठंड हो रही है, बट अंदर पूरा सेंट्रलाइज जो है वो एसी है, तो अभी ठंड में तो ये ब्लोअर काम कर रहा है। तो यार, मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं और हॉस्पिटल के ये कपड़े गर्म भी नहीं हैं, केवल कॉटन के हैं, तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, बहुत सरप्राइज़ है। और आप देख सकते हैं, ये मेरा रूम है जो मुझे मिला हुआ है। तो इस हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ मेरे पीछे अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। अभी ये बैंड ये पेशेंट को दिया जाता है, जिससे पेशेंट का पूरा, जिसमें ये जो आप स्कैनर देख रहे हैं, पूरी हिस्ट्री है, पेशेंट का नाम, पेशेंट किस वजह से आया है, क्या होने वाला है, सब कुछ। और ये वीगो, तो गाइस वीगो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से लग गया इस बार मेरे, वैसे वीगो आसानी से नहीं लगता, मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मेरी नर्व बहुत ही ईजली नहीं मिलती है, इंजेक्शन और वीगो में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, मैं आपको जो बता रही थी इंटरेस्टिंग चीज़, तो ये है, ये एक बेल दी हुई है जिसको प्रेस करते ही जो भी अटेंडेंट वहाँ अवेलेबल होता है तुरंत नर्स आ जाती है, तो काफ़ी इजी है हम लोगों को, छोटी छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बस बेल का बटन ये प्रेस करते ही हमारा जो भी अटेंडेंट, हमारी जो भी नर्स वहाँ पे अवेलेबल स्टाफ होता है आ जाता है, तो डेट इज़ वेरी गुड थिंग। और इसके ही साथ में यहाँ पे
एक चार्ट दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सारे की सारी फैकल्टी का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो वहाँ का जो फैकल्टी है वो आ जाएगी, सेकंड फ्लोर है, सिक्योरिटी है, और जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ है तो वो नंबर यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ है। और रूम जैसे आप देख रहे हैं पूरा सेंट्रलाइज ही है, तो बाहर से ठंडी हवा आने का अभी कोई भी वो नहीं है, जबकि दिसंबर चल रहा है और मैं प्योर कॉटन के बहुत ही केवल ये हॉस्पिटल, आप जानते हैं एडमिट होने के बाद बिल्कुल कोई कपड़े नहीं है बस इनके अलावा, और मुझे ठंड नहीं लग रही है। और बेड भी गाइस आप देख सकते हैं, ये बहुत ही यूनिक बेड है जिसमें कंफर्ट लग रहा है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, और बेड से मूव भी नहीं करना पड़ता है, पूरा बेड ही स्ट्रेचर की तरह चला जाता है। सो अभी ये विंडो देखिए, विंडो ओपन होने के बाद का जो व्यू है वो भी बहुत प्यारा है। मतलब एक पेशेंट क्या करेगा, बोर होता है रूम में, क्या हो सकता है, बट रूम से इतना अच्छा व्यू भी हो सकता है। ये भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप विंडो पे बैठ के प्यारा सा एक ग्रीनरी का व्यू ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। सो गाइज आई लव डैट, मुझे रूम में जो जो भी बंद कमरे में जो भी सफोकेशन है इस विंडो से दूर हो जाती थी। सो गाइज वॉशरूम भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। सो गाइज ये मैं पूरी ब्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ क्योंकि कभी भी किसी को भी हॉस्पिटल का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो। हॉस्पिटल तो अभी 10/10 है। गाइज अभी मेरे जो भी फुल डे के चेकअप हैं वो हो चुके हैं, मगर फिर भी हर घंटे मॉनिटरिंग हो रही है मेरी पल्स की, मेरा बीपी का, वो हर घंटे मॉनिटरिंग करने के लिए नर्स आ रही हैं। बिकॉज़ आज मेरा फर्स्ट डे है, सो फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुझ पे जो है ध्यान दिया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं 86,995 जो बिल है, जो तो मोस्टली गॉल ब्लैडर ऑपरेशन का जो बिल होता है वो 40 to 50 thousand अलग नर्सिंग होम्स में होता है, बट हॉस्पिटल में होता है, बट यहाँ पे ये 90,000 के करीब है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की सुविधाओं को देख के कितना कितना ज़्यादा मार्जिन, मतलब डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे। बट गाइस यहाँ पे एक्चुअली यहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं उनके हिसाब से गाइस ये काफ़ी ठीक ही है, काफ़ी अच्छा है। सो अभी यहाँ पे मुझे लंच, डिनर और टी, स्नैक्स सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। सो गाइस केटल में इस तरह से सुबह शाम चाय आती है, बिस्किट आता है, तो चाय में जो है शुगर नहीं होती है बिकॉज़ शुगर अलग से ही डालनी पड़ती है, और ये जो पाउच मिलता है ये इनफ नहीं होता है, तो यार शुगर यहाँ पे ढंग से चाय में नहीं मिलती है। तो गाइज ये जो चाय है ये ठंड में बहुत काम आती है बिकॉज़ इस समय ठंड चल रही है और चाय पीने का मन करता ही है, तो गाइज़ इस वजह से ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे टाइम टू टाइम चाय यहाँ प्रोवाइड हो रही है। और गाइज सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेशली, जैसे एज अ मतलब पेशेंट को सारी चीज़ें फ्रेश चाहिए तो तुरंत ही ब्रेकफास्ट बन के तुरंत आता है, तुरंत ही लंच बन के आता है, तुरंत डिनर 8 बजे से पहले आ जाता है। लाइक टाइम का भी बहुत पंचुअलिटी से ध्यान दिया जाता है, जैसे एक्चुअल में एक पेशेंट को चाहिए टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जा रही हैं। बट चाय मीठी कम है एज अ पेशेंट तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, फूड कम मीठा, कम मसालेदार, तो ऐसे ही फूड है। देन अगेन इवनिंग में ये मैम मेरी मॉनिटरिंग के लिए आई हैं, और इसके बाद में हमें लाइक 7:30 बजे ही फूड दे दिया गया, जो ये मेरा डिनर है। सो
सो गाइज आप देख रहे होंगे कि इसके पास में एक नेस्कैफे का कप रखा है, नीचे यहाँ पे एक कैफ़े है, तो कॉफ़ी बहुत टेस्टी मिलती है, बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। तो गाइज मैं तो यहाँ की कॉफ़ी की फ़ैन हो गई हूँ, एक ही दिन में मैंने 3 कप कॉफ़ी ले ली है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पता नहीं कब मुझे कॉफ़ी और चाय और ये सारी चीज़ें अलाउ होंगी। तो अभी मुझे रात का डिनर बहुत जल्दी करवा दिया जा रहा है, बिकॉज़ नेक्स्ट डे सर्जरी का है, तो मुझे बहुत ही लाइट फूड दिया गया है। गाइस ये मूंग की दाल की बहुत ही लाइट खिचड़ी है, और साथ में कर्ड है, ग्रीन चटनी है, सो 3 बाउल में ये सारी चीज़ें आई हैं, और साथ में सॉल्ट अलग से आया है कि अगर सॉल्ट कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट लाइट फूड है, बहुत ही सही है। सो गाइस अभी ठंडक के समय में तो गर्म कुछ भी अच्छा लगता है, और आफ्टर फूड मैं और मेरे हस्बैंड एक वॉक पे निकले हैं, बिकॉज़ सुबह की बहुत टेंशन हो रही है, तो हम दोनों ही टेंशन में हैं। और अभी मुझे डॉक्टर आके बोले हैं कि आप जल्दी से आप सो जाइए, सुबह सर्जरी के लिए जाना है। तो सुबह सुबह मेरे को बोला गया है कि 6 बजे सर्जरी के लिए ले जाएंगे। मेरे हस्बैंड अभी लाइट ऑफ कर चुके सो चुके हैं, ये अटेंडेंट बेड आप देख सकते हैं, और मुझे नींद नहीं आ रही है बिकॉज़ मुझे बहुत टेंशन हो रही है।